गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः, हरि ओम्। संसनिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वार्यर्यः, इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर, संगच्छ ध्वंसं वद ध्वंसं वो bestowed on each one of us by our merciful Sai. इस अनन्य प्रेम और आशीर्वाद के लिए हम विनम्रता पूर्वक अर्पित करते हैं 96 दिनों के लिए अपनी श्रद्धा के सुमन। स्वामी कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे हृदय में दिव्यता खिलेगी वो दिन मेरा जन्म दिवस है। जिस दिन तुम मेरे उपदेश का अभ्यास करोगे, मेरे उपदेश को सेवा के धार्मिक कार्यों में परिवर्तित करोगे और साधना के पथ पर चलोगे, वो दिन तुम्हारे लिए मेरा जन्म दिवस है। The birth of divine love in your heart. My birthday. Swami, may this 96-day sadhana purify us so that we are able to offer to you a pure, selfless heart full of divine love. With this prayer, we begin the program with Sri Bhagavat Vahini Parayana. Jai Sai Ram. Shri Sai Ram. भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को बहुत प्यार भरा साईं राम। आज हम अपने प्रिय भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा के फल स्वरूप भागवत वाहिनी का पारायण प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह भागवत वाहिनी स्वयं हमारे प्रिय स्वामी द्वारा लिखी गई। इसमें वर्णन की गई श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण मात्र से महाराजा परीक्षित को अपने अंतिम समय में शांति प्राप्त हुई और आज भी निश्चित रूप से सभी श्रोताओं को इसके श्रवण से वही सुकून तथा शांति प्राप्त होगी। वास्तव में यह भागवत वाहिनी महाराजा परीक्षित तथा मुनि सुखदेव के मध्य एक वार्तालाप है। राजा परीक्षित की मृत्यु घोषित हो चुकी थी और मुनि सुखदेव ने उन्हें उसका सहर्ष स्वागत करने के लिए तैयार करने का प्रयास किया। महाराजा परीक्षित ने अपना मानसिक संतुलन खोने के कारण ध्यान मग्न बैठे ऋषि समीख के शरीर पर एक मृत सर्प फेंक दिया था और इसके फलस्वरूप ऋषि पुत्र श्रृंगी ने क्रुद्ध होकर उन्हें ये शाप दे दिया कि 7 दिन बाद एक सर्प के डसने से
उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराजा परीक्षित ने अपना मानसिक संतुलन खोने के कारण ध्यान मग्न बैठे ऋषि समीप के शरीर पर एक मृत सर्प फेंक दिया और इसके फलस्वरूप ऋषि पुत्र श्रृंगी ने क्रुद्ध होकर उन्हें ये शाप दे दिया कि 7 दिन बाद एक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने के लिए अपने जीवन के शेष 7 दिन ईश्वर की महिमा सुनने में व्यतीत करने का निश्चय किया और प्रभु महिमा का वाचन करने का उत्तरदायित्व शुकदेव महात्मा ने लिया। भागवत भक्ति का वह महान ग्रंथ है जिसकी रचना श्री व्यास जी ने नारद के कहने पर की, जिसे शुकदेव जी ने सिखाया और राजा परीक्षित ने समझा। वास्तव में हम सबकी मृत्यु निश्चित है और हम सब धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा हम सबको उस संत की आवश्यकता है जो हमें उस अंत को सहर्ष स्वीकार करके उसके पार के अंतरिक्ष को देखने की योग्यता प्रदान कर सके। आज जब धर्म के पुनरुद्धार के लिए भगवान श्री सत्य साई बाबा स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं, वे बहुत ही सरल तथा मधुर भाषा में हमें इन गाथाओं में छिपे रहस्य को समझा रहे हैं। यह केवल एक पुस्तक मात्र नहीं है, यह तो एक मंत्र है, एक मरहम है जो सभी गांवों को भर सकती है। हमारे बंधनों की पकड़ को ढीला करके हमें दुख तथा पीड़ा से मुक्त करा सकती है, हमारी प्यास बुझा सकती है और हमें असुरक्षा से छुटकारा दिला सकती है। तो आइए हम सब मिलकर अपने प्रिय भगवान द्वारा रचित इस वाहिनी का श्रवण करें। भक्ति पूर्वक कृष्णावतार के समय की भगवान बाबा की लीलाओं को सुनकर समझकर उनके प्रति प्रेम से सराबोर हो जाएं तथा इस अनन्य प्रेमपूर्ण भक्ति की डोर पकड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं तथा भवसागर से पार हो जाएं। भागवत को सुनकर जिज्ञासु के हृदय में चेतना के समस्त स्तरों से ईश्वर की अनुभूति के लिए उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है, जिसमें ये प्रबल इच्छा है सच्चा भागवत कहा जा सकता है। जन साधारण का विश्वास है कि ईश्वर केवल 2 कारणों से अवतार लेते हैं, एक दुष्टों के विनाश तथा दूसरा साधुओं की रक्षा के लिए, परंतु यह केवल एक पक्षीय बात है। युग युगांतर से भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करना, उन्हें शांति और हर्ष देना भी अवतार का एक प्रमुख कार्य है। गाय मुख्य रूप से बछड़े के लिए ही दूध देती है, किंतु जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान के मनुष्य भी उस दूध से लाभ उठाते हैं, इसी प्रकार यद्यपि भगवान का मुख्य कार्य है भक्तों का उद्धार और संरक्षण, फिर भी सबके हित के लिए अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे धर्म स्थापना, दुष्टों का दमन और अधर्म का विनाश इत्यादि। केवल पृथ्वी पर या मानव देह में ही अवतरित होने का कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रभु पूर्ण स्वतंत्र हैं कि किसी भी समय किसी भी रूप में प्रकट होने के लिए, स्थान चाहे कोई भी हो या रूप कोई भी हो, परंतु अवतार का उद्देश्य भक्तों की उत्कट अभिलाषा को पूरा कर उनका कल्याण करना ही होता है। स्थान और रूप का चुनाव ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। ईश्वर काल और देश की सीमाओं से परे है, वह गुणातीत है और कोई भी गुण सूची पूर्णतः उनका वर्णन नहीं कर सकती। समस्त जीव, पशु, पक्षी, कीट और देव आदि तक उनके लिए समान हैं। केवल पात्र का अंतर है, उपाधि का अंतर है, जीव के आत्मा के प्रकाश में नहीं। वह ठीक उसी विद्युत शक्ति के समान है जो अनेक प्रकार से प्रकट होती है और स्वयं को अनेक रूपों में कार्य करते हुए दिखाई देती है, परंतु शक्ति में कहीं भेद नहीं, वह एक ही है। उसके विषय में भिन्नता का विचार अज्ञान का सूचक है। इसी प्रकार से वह एकमात्र ईश्वर है जो प्रत्येक घट की जीवन शक्ति है, चाहे उस पात्र की उपाधि या नाम कुछ ही क्यों ना हो।
बुद्धिमान केवल एकमात्र शक्ति को अनुभव करते हैं और अज्ञानी उनमें भेद मानते हैं। ईश्वर ही वह चेतना है जो सब में समान रूप से व्याप्त है, जो सबको चलाती है। कर्मफल केवल उनको बांधते हैं जो अपने को शरीर ही मान लेते हैं, उनको नहीं बांधते जिन्होंने अपने को अजर अमर आत्मा जाना है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं भागवत का पहला अध्याय। भागवत का अर्थ होता है भगवान से संबंध रखने वाला, उनकी पूजा करने वाला। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और लीलाएं करते हैं। भगवान के उन नामों रूपों की जो भक्तजन अनुभूति करते हैं, उनके अनुभवों के विवरण को भागवत कहा जाता है। ईश्वर की लीलाओं में जिनको भाग लेने का सौभाग्य मिला है, जिनको प्रभु ने अपनी लीलाओं के लिए चुना है, जिन पर उनकी विशेष अनुकंपा रही हो, ऐसे सानिध्य प्राप्त भक्तों के कार्यकलापों को भी भागवत के नाम से पुकारा जाता है। भागवत नामक ग्रंथ वेदों के जानकारों के द्वारा भी प्रशंसित किया गया है। यह तीनों लोकों का चिंतामणि है, जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों का निराकरण होता है। भागवत अमृत के माधुर्य से ओतप्रोत और ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है। जीवों के कल्याण के लिए निराकार का साकार रूप धारण कर इस धरा पर अवतार लेना ही वह मूल सत्य है, जिसके द्वारा भागवत प्रमाणित है। भागवत का अभिप्राय है, जो ईश्वर से संबद्ध है, जिन्हें ईश्वर सानिध्य प्राप्त है, उनके लिए भागवत जीवन में श्वास की तरह अनिवार्य है। भागवत को सुनकर जिज्ञासु के हृदय में चेतना के समस्त स्तरों से ईश्वर की अनुभूति के लिए उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। जिसमें ये प्रबल इच्छा है, सच्चा भागवत कहा जा सकता है। जनसाधारण का विश्वास है कि ईश्वर केवल दो कारणों से अवतार लेते हैं, एक दुष्टों के विनाश तथा दूसरा साधुओं की रक्षा के लिए। परंतु यह केवल एक पक्षीय बात है। युग युगांतर से भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करना, उन्हें शांति और हर्ष देना भी अवतार का एक प्रमुख कार्य है। गाय मुख्य रूप से बछड़े के लिए ही दूध देती है, किंतु जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान के मनुष्य भी उस दूध से लाभ उठाते हैं, इसी प्रकार यद्यपि भगवान का मुख्य कार्य है भक्तों का उद्धार और संरक्षण, फिर भी सबके हित के लिए अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे धर्म स्थापना, दुष्टों का दमन और अधर्म का विनाश इत्यादि। केवल पृथ्वी पर या मानव देह में ही अवतरित होने का कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रभु पूर्ण स्वतंत्र हैं कि किसी भी समय किसी भी रूप में प्रकट होने के लिए। स्थान चाहे कोई भी हो या रूप कोई भी हो, परंतु अवतार का उद्देश्य भक्तों की उत्कट अभिलाषा को पूरा कर उनका कल्याण करना ही होता है। स्थान और रूप का चुनाव ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। ईश्वर काल और देश की सीमाओं से परे है, वह गुणातीत है और कोई भी गुण सूची पूर्णतः उनका वर्णन नहीं कर सकती। समस्त जीव, पशु, पक्षी, कीट और देव आदि तक उनके लिए समान हैं। केवल पात्र का अंतर है, उपाधि का अंतर है, जीव के आत्मा के प्रकाश में नहीं। वह ठीक उसी विद्युत शक्ति के समान है जो अनेक प्रकार से प्रकट होती है और स्वयं को अनेक रूपों में कार्य करते हुए दिखाई देती है, परंतु शक्ति में कहीं भेद नहीं, वह एक ही है। उसके विषय में भिन्नता का विचार अज्ञान का सूचक है। इसी प्रकार से वह एकमात्र ईश्वर है जो प्रत्येक घट की जीवन शक्ति है, चाहे उस पात्र की उपाधि या नाम कुछ ही क्यों ना हो। बुद्धिमान केवल एकमात्र शक्ति को अनुभव करते हैं और अज्ञानी उनमें भेद मानते हैं। ईश्वर ही वह चेतना है जो सब में समान रूप से व्याप्त है, जो सबको चलाती है। कर्मफल केवल उनको बांधते हैं जो अपने को शरीर ही मान लेते हैं, उनको नहीं बांधते जिन्होंने अपने को अजर अमर आत्मा जाना है।
आपको ये समझना चाहिए कि ईश्वर के अवतार लेने का कोई अंत नहीं है, वह असंख्य बार अवतरित होता है। कभी कभी वह निज महिमा का कुछ अंश लेकर अवतरित होता है, कभी समग्र महिमा सहित, कभी किसी विशिष्ट कार्य के लिए, और कभी कभी देश और काल तथा संपूर्ण देश सृष्टियों और ब्रह्मांडों में युग परिवर्तन के निमित्त अवतार लेता है। भागवत उनमें से अंतिम अवतार की कथा है। अवतार के द्वारा संसार के रंगमंच पर खेला गया संपूर्ण नाटक तथा भक्तों का उनके प्रति आकर्षण, उनकी लीलाओं और महिमाओं का वर्णन इस भागवत की मूल कथा वस्तु है। इसके श्रवण से ईश्वर की अनुभूति होती है। अनेक संतों ने इसकी महानता का विश्लेषण किया है और भागवत की महानता का गुणगान किया है। साधारणतः मानव इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित और प्रवाहित होता है, क्योंकि वह उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। इंद्रिय सुख भोग की प्रवृत्ति सरलता से विषयों की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि वह शरीर के साथ ही आती है और उसके लिए किसी शिक्षा या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शिशु माता के स्तन से दूध पीता है, बछड़ा गाय के थनों से दुग्धपान करता है, इसके लिए किसी अभ्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। परंतु शिशु के बोलने और चलने के लिए अभ्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कारण यही है कि वह स्वाभाविक नहीं है बल्कि सामाजिक है, और उनको इसे उदाहरण से तथा दूसरों को देखकर सीखना होता है। इंद्रिय सुख भोग के लिए भी उचित शिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मनुष्य इंद्रिय सुखों के पीछे बिना रोक टोक के दौड़ा चला जाए तो उससे घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि की वृद्धि ही होगी। इंद्रियों को कल्याणकारी हितकर मार्ग पर प्रशिक्षित करने तथा नियंत्रण में रखने के लिए जप, ध्यान, उपवास, संध्या वंदन आदि अनेक अनुशासनों की आवश्यकता होती है। लेकिन इन सब के महत्व का चाहे कितना भी गुणगान क्यों ना किया हो, उनके अभ्यास के लिए बल दिया गया हो, आरंभ में उनके प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण यह है कि मानव मन में स्वेच्छाचारिता के साथ इंद्रिय सुख भोग और वासनाओं के वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी बैठी हुई हैं। जब किसी से आध्यात्मिक अनुशासन के पालने के लिए कहा जाता है तो उसके अंतर से वैसा करने की प्रेरणा नहीं उठती है, किंतु इतना होने पर भी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। जब तक कि रुचि उत्पन्न ना हो, अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप ही रुचि उत्पन्न होती चली जाती है, जो प्रारंभ से किसी में नहीं होती। शिशु दूध का स्वाद नहीं जानता, परंतु प्रतिदिन पीने से वह उसको इतना प्रिय हो जाता है कि जब दूध के स्थान पर उसको चावल देने का प्रयास किया जाता है तो वह उसका विरोध करता है। परंतु बच्चे के इस विरोध से माता निराश नहीं हो जाती और धीरे धीरे वह उसे थोड़ा थोड़ा चावल खाने पर विवश करती रहती है, तथा इस निरंतर अभ्यास से वह उसको खाने का अभ्यासी हो जाता है और दूध छोड़ देता है। दूध उसका प्राकृतिक आहार बन गया था, परंतु अभ्यास के द्वारा चावल उसका प्राकृतिक आहार हो गया। इतना प्राकृतिक कि यदि उसे एक दिन भी चावल ना मिले तो उसके लिए बड़ा कष्ट होने लगता है। इसी प्रकार से यद्यपि इंद्रिय सुखों की ओर पहले तो स्वाभाविक रूप से रुझान होता है, परंतु अभ्यास और बुद्धिमानों के उपदेश से ईश्वरीय महिमाओं को श्रवण, मनन और चिंतन से प्राप्त करने वाला सुख, जो कि चिरस्थायी सुख है, उपलब्ध किया जा सकता है। उस चिर सुख की उपलब्धि के पश्चात कोई भी उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। व्यक्ति अनुभव करता है कि प्रभु की महिमा सुनने के समान संसार में और कोई मधुर सुख नहीं है। उन्होंने संसारिक सुखों के विषय में बातें करने वालों का संग आकर्षित नहीं कर पाता, और ईश्वर के गुणगान करने वालों का संग अपनी ओर आकर्षित करता है तथा बांध लेता है। यही कल्याण का वास्तविक चिन्ह है। ईश्वर भक्तों तथा साधकों की यही पहचान है, बाह्य दिखावा नहीं।
यदि कोई इंद्रिय सुखों में फंसे व्यक्तियों के समुदाय में फंसता है तो वह अपने को ईश्वरीय क्षेत्र से बाहर ले जाता है। अपना समय ईश्वरीय चिंतन करने वाले भक्तों में बिताओ, असज्जनों के साथ मिलने जुलने से बचो, उनके वर्णनों को मत सुनो और उनके कृत्यों को भी मत देखो। जिन्होंने ऐसा ईश्वरीय मार्ग अपनाया है वे ही भागवत या ईश्वरीय कहला सकते हैं। कृष्ण की गाथाएं पढ़ना किसी पवित्र स्थल, मंदिर, प्रार्थना भवन, दरगाह या किसी संत के आश्रम या साधु की कुटिया या सज्जन व्यक्तियों का सत्संग करना और ईश्वर का गुणगान सुनना हर्ष एवं प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसे सज्जनों तक पहुंचना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके द्वारा ईश्वर गुणगान सुनना चाहिए। मानव मन में इस प्रकार की अभिरुचि का उत्पन्न होना पूर्व जन्म के सत्कर्मों का ही सुफल होता है। ईश्वर की कृपा से ही सत्संग उपलब्ध होता है। प्रारंभ में सुनना ही पर्याप्त है, तत्पश्चात ईश्वरीय लीलाओं का महिमा गान ऐसी रुचि उत्पन्न कर देगा कि जिज्ञासु अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लेगा। कोरे पुस्तकीय अध्ययन के स्थान पर किसी ज्ञानी से व्याख्या सुनना, ईश्वर की महिमा श्रवण करना अधिक लाभप्रद है। या जब व्याख्या सुन रहे हो तो पुस्तक को स्वयं देख भी सकते हैं, सामूहिक रूप से उसकी महिमा को सुनना अकेले सुनने से अधिक श्रेष्ठ है। अपने जैसे जिज्ञासुओं के साथ महिमा सुनना अधिक लाभप्रद होगा। यदि सुनाने वाला उस प्रभु के प्रति भक्ति भाव से आत्मविभोर होगा तो सुनने वाले के लिए यह एक परम सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि उस दशा में परिणाम सर्वश्रेष्ठ होंगे। जिज्ञासुओं के मुख परम हर्ष से चमक उठेंगे, ईश्वर की महिमा गान से उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं की झड़ी लग जाएगी। जो सुनेंगे उन्हें प्रेरणा प्राप्त होगी और वे आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार रोते हुओं के समुदाय में जाने पर किसी की भी आँख में अश्रु आ जाते हैं, उसी तरह जब एक शिशु की मधुर मुस्कान बिखर उठती है तो पास में उपस्थित समस्त जनों के चेहरों पर भी मुस्कान की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार जिनका हृदय प्रभु भक्ति से भर चुका है उनके शब्दों को सुनने वालों के हृदय भी उस रस से भर जाएंगे। सज्जनों का संग करने से जो लाभ होता है उसका आंकना भी असंभव है। इस प्रकार सत्संग लाभ से, संतों के वचनों के श्रवण से मैले हृदय भी विशुद्ध हो जाएंगे और उस प्रभु के प्रकाश से ज्योतिर्मय हो उठेंगे। इंद्रियों की सुख भोग संबंधी बातों के सुनने के स्थान पर ईश्वर संबंधी महिमा सुनना अधिक उत्तम है, क्योंकि वह स्वयं में एक अद्भुत माधुर्य प्रदायक है। इस श्रवण, मनन, चिंता से जो प्रेरणा होती है उससे हृदय पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार का विशुद्ध हृदय ही वह उपयुक्त वेदिका है जिस पर प्रभु विराजते हैं। उनके हृदय पटल पर प्रतिष्ठित होते ही षड्रिपु बिना अपना विदाई समारोह मनाए ही पलायन कर जाएंगे। जब षड्रिपु काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तथा ईर्ष्या भाग जाएंगे तो मन की बुरी प्रवृत्तियां बिना अपना नामो निशान छोड़े ही अदृश्य हो जाएंगी। तब मनुष्य अपने सत्य और प्रेम के वास्तविक रूप से चमक उठेगा, उसकी गति अबाध होगी, वह अपने को पहचानेगा और अंत में व्यक्ति समष्टि में लीन होने में सफल हो सकेगा। वह माया और अज्ञान के बंधन से मुक्त होगा, उसका मस्तिष्क स्वच्छ हो जाएगा और वह जाने कब से छिपे हुए अपने गोपनीय सत्य को जानेगा, निज के अंतर की महिमा को पहचानेगा। मानव की मूल प्रकृति प्रेम है, वह उसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। प्रेम उसके जीवन में श्वास के समान है। जब मनुष्य षड रूपियों के पाशों से मुक्त हो जाता है तो उसके हृदय में केवल प्रेम ही रह जाता है। लेकिन प्रेम को एक लक्ष्य अर्थात प्रेमी की आवश्यकता होती है, वह अकेला नहीं रह सकता।
बस वह सांवले दैविक गोपाल की ओर चल पड़ेगा, जो कि पवित्रता की साक्षात मूर्ति हैं, जो कि सेवा की प्रतिमा हैं, सेवा और बलिदान आदि की साक्षात मूर्ति हैं, जो पवित्र हृदयों में निवास करते हैं। फिर किसी अन्य राग के लिए स्थान नहीं रहेगा। इस प्रकार हर पल माधव के प्रति स्नेह गहरा, पवित्र तथा अहंकार रहित होता जाएगा और अंत में विगत कामना की स्थिति में व्यक्ति का समष्टि में एकाकार होगा। जब वासुदेव हृदय में पदार्पण करते हैं तो वसु अर्थात धन के देवता के लिए वहाँ स्थान नहीं रहता। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब कृष्ण हृदय में निवास करेंगे तो संसार की इच्छाएं वहाँ नहीं रह पाएंगी। दोनों का एक साथ हृदय में स्थित करने का प्रयास एक असफल प्रयास है। एक समय में ही एक ही स्थान पर प्रकाश और अंधकार नहीं रह सकते। धनम और देवम दोनों एक साथ आदर्श नहीं बनाए जा सकते। जब धनार्जन किया जाएगा तो देवत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकेगी। यदि मानव के द्वारा दोनों की उपलब्धि का प्रयास किया जाता है तो जो कुछ वह प्राप्त करेगा वह ना तो देवम होगा और ना धनम, अपितु वह होगा दानवत्व। मानव यदि मानव की तरह व्यवहार करे तो उसके लिए ये श्रेयस्कर होगा, और यदि वह माधव की भांति व्यवहार कर सके तो वास्तव में वह उसके लिए अत्यंत ही प्रशंसनीय होगा। परंतु पशु या दैत्य की तरह व्यवहार करना उसके पतन का परिचायक है। कभी मनुष्य एक धातु के रूप में उत्पन्न हुआ था और उसी में विलीन हो गया। विकास की प्रक्रिया में वह फिर एक वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। वह एक वृक्ष की तरह उत्पन्न हुआ और वृक्ष की तरह ही नष्ट हुआ। इसी प्रक्रिया में वह पशु योनि तक पहुंचता है, तब वह पशु की तरह उत्पन्न होकर पशु की तरह ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु अब वह मानव के स्तर तक प्रगति कर चुका है। एक स्तर से दूसरे स्तर तक की प्रगति विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों दोनों के द्वारा ही मान्य है, किंतु वह मानव की तरह उत्पन्न होता है और मानव की तरह ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि वह मानव उत्पन्न होकर पशु की तरह या दानव की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है तो यह उसके लिए लज्जा का विषय है। यदि वह देवत्व प्राप्त करता है तो उसकी पूजा की जानी चाहिए, यही उसके सौभाग्य की परिपूर्णता है। इसलिए इंद्रिय सुख भोगों की तृष्णा समाप्त करो, शुभ कर्मों में संलग्न होने का प्रयास करो, हृदय को प्रभु के सिंहासन के रूप में परिवर्तित कर दो, इच्छाओं के समस्त आक्रमण विफल कर दो और कामना विहीन हो जाओ। तब तुम्हारा मानस सरोवर क्षीर सागर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें विष्णु भगवान शयन करते हैं। तब तुम्हारा वास्तविक रूप स्वर्गिक राजहंस के समान क्षीर सागर में आनंद विहार करेगा और इससे उस अनंत आनंद की उपलब्धि होगी। सागर की सतत उठने वाली तरंगों के प्रारंभ क्रम को कौन जान सका है? यह एक असंभव कार्य है। यदि कोई ऐसा करने की इच्छा करता है तो जिस लहर से वह गिनना प्रारंभ करेगा उसके लिए वह प्रथम होगी और जहां वह समाप्त कर देगा वही उसके लिए अंतिम होगी। उसकी गणना का वह आदि और अंत होगा, परंतु लहरों के क्रम का आदि और अंत नहीं होगा। कोई भी उस अनंत अबाध सत्ता को नहीं जान सका। प्रभु की महिमा तटविहीन सागर की तरह है। जब कोई उसकी महिमा का गुणगान प्रारंभ करता है तो वह उसकी दृष्टि से उसका प्रारंभ है, और जब उसकी परिसमाप्ति करता है तो केवल उसके अनुसार वह उसी का अंत है। परंतु ईश्वर महिमा देश और काल से परे है। क्षुद्र एवं सीमित मन और बुद्धि वाले ही प्रभु महिमा के आदि और अंत के विषय में तर्क करते हैं। जिस स्तर पर प्रभु का नाटक चलता है उनकी लीलाओं की कोई सीमा नहीं है। उनकी लीलाओं की समस्त कथाएं ही अमृत हैं। उनका पर्याय नहीं, कोई अन्य वैसा स्वाद नहीं, अन्य वैसा कोई सुख नहीं।
प्रत्येक प्राणी उस अमृत सागर से अपनी इच्छा के अनुसार अमृत रसपान कर अपनी तृष्णा शांत कर सकता है। वही माधुर्य, वही रस अमृत सागर की प्रत्येक बूंद के कण कण में प्राप्त होगा। ईश्वर का प्रेम और ईश्वर के लिए प्रेम दोनों ही अत्यंत मधुर और शुद्ध हैं। फिर उसे ग्रहण करने का आपका ढंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ऐसा पवित्र ही पवित्र और स्फूर्तिदायी है। मिठाई चाहे दिन में खाओ चाहे रात्रि में, वह मीठी ही होगी। रात और दिन खाने वाले व्यक्ति के लिए हैं, मिठाई के लिए न रात है और न दिन। माधुर्य माधुर्य है, एक रस एक स्वाद है। जय साईं राम। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।